पेंगोंग त्सो लेक। बीते एक साल के दौरान इस झील की चर्चा आपने कई मर्तबा सुनी होगी। ये वही झील है जिसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए एलएसी पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। बीते साल जून में हुई हिंसक झड़प के बाद से पेंगोंग त्सो लेक के इर्द गिर्द भारत के जाबाज सैनिक अपनी गतिविधियां बढ़ा चुके हैं। दरअसल भारत और चीन करीब 34,888 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद लद्दाख क्षेत्र में इसी पेंगोंग त्सो झील को लेकर है, क्योंकि ये झील दोनों देशों के लिए रणनीतिक मामलों में काफी अहम है। 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग त्सो झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के एक तिहाई मामले इसी पेंगोंग त्सो झील के आसपास होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। इस क्षेत्र में दोनों देशों ने अपनी अलग अलग एलएसी तय की हुई है, इसलिए विवादित हिस्से में कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज TV9 भारतवर्ष आपके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है उस इलाके से जिसको स्टैंड ऑफ का एपिसेंटर कहा जाया था, यानी पेंगोंग त्सो लेक। मैं इस समय पेंगोंग त्सो लेक के फिंगर 2 एरिया में खड़ा हूं और यहां से आगे अगर आप देखें फिंगर 4 फिंगर 3 की शुरुआत होती है। फिंगर 4 वो इलाका जहां पर चीनी सेना अभी भी रिजिड इलाकों में खड़ी हुई है। दरअसल पिछले साल जब इन इलाकों में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तभी से चीनी सेना की मंशा थी कि फिंगर 4 के बाद वो फिंगर 3 को डोमिनेट कर दे, लेकिन अभी भी भारतीय सेना और वो स्टैंड ऑफ सिचुएशन में और भारतीय सेना उनको फिंगर 4 में रखा हुआ है। अगर आप ये देखें तो ये पड़ता है नॉर्थ ऑफ पेंगोंग त्सो और इधर वाला इलाका पड़ता है साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो, यानी चुशूल का वो इलाका, यानी वो चुशूल बॉल। दरअसल जब चीन ने वो नॉर्थ ऑफ पेंगोंग त्सो में अपनी हाइट को डोमिनेट किया तब भारतीय सेना ने सोचा कि अब कुछ भारतीय सेना को नया करना होगा। तब अगस्त के आखिरी में भारतीय सेना ने साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो के अंदर अपना ऑपरेशन चलाया और साउथ पेंगोंग त्सो में यानी चुशूल के इलाके में हाइट्स को कैप्चर कर लिया या फिर हाइट्स को बरकरार रख लिया। रणनीतिक तौर पर भी इस झील का काफी महत्व है, क्योंकि ये झील चुशूल घाटी के रास्ते में आती है। कहा जाता है कि चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत अधिकृत क्षेत्रों में युद्ध के दौरान हमले के लिए कर सकता है। साल 1962 के युद्ध के दौरान यही वो जगह थी जहां से चीन ने बड़े तौर पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। इस क्षेत्र में खतरनाक किला भी है जो इस झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ये किला अब चीन के नियंत्रण में है। 20 अक्टूबर 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सेना ने यहाँ सैन्य कार्रवाई की थी। ऐसी खबरें भी आई हैं कि पिछले कुछ सालों में चीन ने पेंगोंग त्सो झील के किनारों पर सड़कों का निर्माण किया है। इन फिंगर एरिया को देखें तो इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि करीबन 8 फिंगर एरिया है जिसमें से 45 किलोमीटर ये पेंगोंग त्सो लेक है भारत के इलाके में आता है और उसके अलावा करीबन 134-135 किलोमीटर से बाकी का हिस्सा चीन के हिस्से में आता है। लेकिन चीन की मंशा है कि पूरे पेंगोंग त्सो को उन निकल जाए। अब ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए कि अगर वो वहां बैठ गया फिंगर 3 फिंगर 4 पे तो वो हमारे चुशूल बॉल को डोमिनेट कर सकता है और फिर लद्दाख के कई इलाकों को डोमिनेट कर सकता है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने चीन से एक ही शर्त रखी कि आपको फिंगर 4 इलाकों में हटना पड़ेगा, इन इलाकों से पीछे हटना पड़ेगा। स्टैंड ऑफ का एपिसेंटर या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पेंगोंग त्सो का फिंगर इलाका है जो इस समय स्टैंड ऑफ का या फिर आप कह सकते हैं कि बातचीत के लिए सबसे ज्यादा यहीं पर गतिरोध दोनों देशों में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि पेंगोंग झील में चीनी सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। चीन ने विवादित क्षेत्र में नए कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। इन कैंप में चीन की ओर से अतिरिक्त सेना की टुकड़ी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पेंगोंग झील में भी लगातार बोट की आवाजाही देखी जा रही है। दूसरी ओर भारत भी इस इलाके में लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रहा है। भारतीय नौसेना ने पिछले साल लद्दाख में एक दर्जन से अधिक हाई पावर एडवांस नावों को तैनात किया है ताकि सेना इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत रख सके। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।